Hey my YouTube family, I'm your Neha and welcome back to my YouTube channel Tricky Neha. So guys, होली आने वाली है और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ. आप सब भी एक्साइटेड होंगे. लेकिन होली खेलना हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो स्किन में प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं. उसकी वजह से बहुत सारे लोग होली खेलना अवॉइड भी करते हैं क्योंकि उनको उसके बाद स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि आपको कुछ टिप्स दूंगी जिसको आपको होली के पहले और होली खेलने के बाद ध्यान में रखना है, जिससे आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो विदाउट डिले मूव ऑन टू वीडियो. तो सबसे पहले मेरी टिप आपके लिए यही रहेगी कि जब भी आप होली खेलने जाए उसके पहले आपको बहुत सारा सरसों का ऑयल अपने फेस पर, हेयर पर, हाथों पे और मींस जो भी आपका ओपन एरिया है उन सब पर बहुत सारा सरसों का ऑयल अप्लाई करना है. इससे क्या होगा कि जब भी आप होली खेलने के बाद नहाने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वो रंग को छुड़ाने के लिए. बालों में भी आपके वो कलर्स जो होंगे वो निकल जाएंगे इजिली और जिसकी वजह से आपको बालों में भी कोई डैमेज नहीं होगा, स्किन से रिलेटेड भी कोई भी डैमेज नहीं होगा. तो ये या आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है. खूब सारा सरसों का ऑयल आपको अपने फेस पर स्पेशली आ जाएगा. फेस पर जरूर लगाएं क्योंकि फेस को क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि हाथ पैर को तो हम लोग थोड़ा हार्ड स्प्रे में रब कर सकते हैं लेकिन फेस को नहीं कर सकते क्योंकि हमको प्रॉब्लम हो जाती है. तो इससे बेस्ट यही होगा कि आप जब भी होली खेलने जाए उसके पहले खूब सारा सरसों का ऑयल आपको अपने फेस और बालों में लगाना नहीं भूलना है. ओके, सो सेकंड टिप मैं आपको यही दूंगी कि जब आप होली खेल लेते हो उसके बाद जब आप कलर छुड़ाने के लिए नहाने जाते हो उस समय आपको अपनी स्किन को बहुत ही जेंटल वे में रब करना है. साबुन या फिर जो भी आप यूज कर रहे हो उसे बहुत ही जेंटल वे में रब करना है, बिल्कुल भी हार्श वे नहीं अप्लाई करना है क्योंकि जब हम हार्श वे में अपनी स्किन पर रब करते हैं तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको ही फेस करना पड़ता है. लाइक दाने निकल आते हैं, एक्ने आ जाते हैं या फिर बहुत हमारी स्किन रेड पड़ जाती है. मेरे साथ ये हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और कट भी पड़ जाते हैं. इसलिए आपको बिल्कुल भी हार्श वे नहीं अप्लाई करना है, आपको बहुत ही जेंटल वे में आपको अपनी स्किन को रब करना है. और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप सरसों का ऑयल यूज करें तो अगर आप वो यूज करेंगे तो फिर आपका कलर इजिली निकल ही जाएगा. आपको बिल्कुल भी हार्श वे में अपनी स्किन को रब करने की कोई जरूरत नहीं. थर्ड मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर पॉसिबल हो, अगर आप सूखी होली खेल रहे हो, पानी वाली नहीं खेल रहे हो, तो पॉसिबल हो तो आप गॉगल्स लगा कर ही होली खेलें क्योंकि जो कलर्स अगर आपकी आईज में जाते हैं तो आईज से रिलेटेड बहुत सारे इन्फेक्शन और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है. तो इससे बेस्ट है कि आप गॉगल्स लगा कर ही खेलें जब पानी वाली खेलते हैं. आई नो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज जब आप मस्ती करते हो उस समय गॉगल्स लगा के पूरे टाइम होली खेलना पॉसिबल नहीं होता. लेकिन अगर आप सूखी खेल रहे हो तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप गॉगल्स लगाओ ताकि वो ड्राई कलर आपके आंखों पे ना जाए और फिर आंखों में खुजली और रेडनेस ये सब हो जाती है. इन सब से आपको बचना हो तो इसके लिए आप गॉगल्स पहनकर ही होली खेलें. नेक्स्ट मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि जब भी आप कलर्स खरीदें उसके पहले आप ध्यान रखें कि वो उन कलर्स में ग्लास पार्टिकल्स ना हो क्योंकि वो ग्लास पार्टिकल्स आपकी स्किन को छोटे छोटे से कट्स लग जाते हैं. आपने नोटिस करा होगा वो उन्हीं की वजह से होता है क्योंकि हमारे कलर्स में ग्लास पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे स्किन को डैमेज करते हैं. तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी नेक्स्ट टाइम क्या होली आने वाली है तो आप जब भी आप कलर खरीदो उसके पहले ये चीज जरूर देख लें इसमें ग्लास पार्टिकल्स तो नहीं है. नेक्स्ट आप मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हो अपने कलर्स को रिमूव करने के लिए. जैसे मेकअप रिमूवर हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स को हमारी स्किन से हटाता है वैसे ही वो आपके कलर्स को भी अपनी स्किन से हटा देगा. तो अगर आप चाहते हो कि सोप वगैरह नहीं यूज करना चाहते तो आप उसकी जगह पर मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हो. उसके बाद आप जो भी फेस वॉश वगैरह यूज करते हो वो यूज कर सकते हो. ओके सर, अभी हमने होली खेल लिया, नहा लिया और कलर छूट भी गया लेकिन हमारी स्किन ड्राई पड़ जाती है. ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, हर किसी के साथ होता है कि स्किन ड्राई पड़ जाती है कलर्स के साथ खेलने के बाद. तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी स्किन पर कोई थिक क्रीम लगानी है. आपको कोई भी फेयरनेस क्रीम नहीं अप्लाई करनी है नहाने के बाद. उसके बाद आपको कोई थिक क्रीम यूज करनी है. आप चाहो तो कोल्ड क्रीम अप्लाई कर सकते हो या फिर आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो. इससे आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो चली जाएगी या फिर छोटे छोटे कट लग जाते हैं वो भी जल्दी ही हील हो जाएंगे. तो आपको याद रखना है कि नहाने के जस्ट बाद आपको कोई थिक क्रीम यूज करनी है. ओके सर, नेक्स्ट स्टेप आपको होली खेलते टाइम याद रखना है और वो ये है कि आपको बार बार अपना फेस क्लीन वाटर से बार बार धोना है. मैं यहाँ पर फेस वॉश करने को नहीं कह रही हूँ, मीन्स फेस वॉश नहीं यूज करना या फिर साबुन या फिर कुछ भी जो आप यूज कर रहे हो वो नहीं यूज करना है. सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको बार बार अपना फेस क्लीन करते रहना है. इससे क्या होगा कि कलर आपकी स्किन पर ठहरेगा नहीं और जब आप नहाने जाओगे तब वो इजिली निकल भी जाएगा या फिर आपके कान आईज में या फिर कहीं पर भी आपके अगर कलर रह गया है तो वो आप बार बार क्योंकि फेस वॉश कर रहे हो तो वो इजिली निकल भी जाएगा. तो या जब भी आप होली खेलने जाओ उस समय नॉर्मल वाटर जो हो जिसमें कि कलर ऐड ना हो उसे बार बार आपको अपना फेस क्लीन करना है.
ओके, फेस रिलेटेड बात तो मैंने बता दी, लेकिन नेल्स में भी हमारे कलर्स जम जाते हैं और वो बहुत ही हार्ड होते हैं, मीन्स उनको रिमूव करना बहुत हार्ड होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नेल पेंट रिमूवर, जिसे आप नेल पेंट्स अपनी रिमूव करते हो वो यूज कर सकते हो उन कलर्स को रिमूव करने के लिए। इससे आपको बहुत ही ईजिली वो कलर्स रिमूव हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है, चाहे आप अपने घर में होली खेल रहे हो या फिर अपने फ्रेंड्स के घर में, तो जब भी आप होली खेलना जाओ उसके पहले ही आपको एक बकेट में क्लीन वाटर एक साइड में रखना है, क्योंकि होली खेलते टाइम हमारी आईज में कलर्स जरूर ही जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं, हमारी आईज में खुजली होने लगती है या फिर आई इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उस टाइम हमें तुरंत क्लीन वाटर चाहिए होता है। तो इससे बेस्ट है कि आपको पहले से ही एक बकेट में क्लीन वाटर रखना है, जैसे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आईज में चले गया कलर या फिर मुंह में भी चला गया, तो उस समय आपको बार बार यू नो क्लीन वाटर के लिए भागना नहीं पड़ेगा, आपको पता है कि यहाँ पर एक क्लीन वाटर, एक बकेट में क्लीन वाटर रखा हुआ है। तो स्किन की बात हो गई, नेल्स की बात हो गई, अब बात करते हैं हम लोग हेयर्स की। तो अगर आप हेयर कटिंग का सोच रहे हो तो आप होली से पहले ही ले लो, क्योंकि अगर आपके स्प्लिट एंड्स हैं और उसमें कलर्स जाते हैं तो बाल और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, उनको यू नो रिपेयर करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप अगर हेयर कटिंग का सोच रहे हो तो होली से पहले ही ले लो, जिससे कि यू नो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हेयर डैमेज भी नहीं होंगे। सो बात यहाँ पर हम बालों की कर ही रहे हैं, तो मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ कि आप जब भी होली खेले जाओ उसके पहले आपको अपने बालों को अच्छे से टाई करना है, चाहे आप छोटी बना लो या फिर एक टाइट बन बना लो, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा आपके बाल कॉन्टेक्ट में आएंगे कलर्स के उतने ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं। तो आप ओपन मत करो, अगर आपको करना है तो फिर कर सकते हो, लेकिन ये यू नो आपके बालों को भी डैमेज करेगा। अगर पॉसिबल हो तो आप इसे किसी तरह से कवर कर लो, किसी कपड़े से या फिर किसी और चीज से कवर कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट है कि इससे आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे ही नहीं कलर्स के, तो जब कलर्स के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो डैमेज ही नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अपने बालों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड या डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।